हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करना सीखा था, रैंक कोरिलेशन में, जिसको हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। उसमें हम दो केस डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट केस आपका था यदि आपको रैंक गिविन हो, दूसरा केस था जब रैंक गिविन ना हो। अब तीसरा केस हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें रैंक तो गिविन ना हो लेकिन रैंक टाई हो जाए, ठीक है, टाइड रैंक जिसको कहते हैं। अब टाइड रैंक हमारी होती क्या है इसको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए, और उसका एक आध एग्जांपल भी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टाई रैंक क्या होती है। टाई रैंक के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डेटा माना, मैंने मान लिया कि आपको कोई डेटा दिया है जिसमें 90, 20, 30, 20 एंड 60 दिया है। तो उसमें हमें सबसे पहले रैंकिंग करनी होती है, जिसके हाईएस्ट जो नंबर है उसको हम 1 रैंक देंगे, जो 60 है उसके बाद है उसको हम 2 रैंक देंगे, 30 को हम 3 रैंक देंगे, लेकिन जो 20 है वो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 2 बार लिखा है डेटा में, हमारे 2 बार रिपीट होता है 20 नंबर, तो इसको हम क्या रैंक दें। इस केस में रैंक टाई हो जाती है ना। अगर टाई रैंक होती है तो समझ लीजिए कि डेटा में आपको कोई 2 या 3 वैल्यू ऐसी दी है जो कि रिपीटेड है ना, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ये अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ठीक है। तो रैंक टाई कब होती है, जब हमें कोई वैल्यू रिपीटेड दी होती है। तो इसमें हम रैंक कैसे देते हैं, ठीक है, तो उसमें रैंक हम कुछ इस तरीके से देंगे कि हमें 3 के बाद 4 रैंक देनी थी और उसके बाद हमें 5 रैंक देनी थी, ये 2 बार रिपीट है तो हमें 4 और 5 का एवरेज लेना होगा। 4 और 5 का अगर एवरेज लें तो 4.5 आएगा, यानी कि हमें 4.5 रैंक देनी होगी 20 को और 4.5 रैंक देनी होगी हमें 20 को। तो इस तरीके से हमें रैंकिंग करनी होती है यदि रैंक टाई हो जाए, ठीक है। अब इसमें रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपका जो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है वो ये होता है जो मैंने लिखा है, R इक्वल टू 1 माइनस समेशन 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लास्ट की लेक्चर में भी यूज किया था हमने, इसी को मॉडिफाई करना है क्योंकि यहाँ पर रैंक टाई है तो उसको मॉडिफाई करना होगा। और जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, द मॉडिफाई फॉर्मूला फॉर द टाई रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या होगा, R इक्वल टू 1 माइनस डिवाइड में सेम रहना है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऊपर 6 भी सेम रहेगा, लेकिन बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें समेशन d स्क्वायर के साथ में, समेशन d स्क्वायर के साथ में करेक्शन फैक्टर को ऐड करना होगा, ठीक है। अभी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर होगा हमारा 1/12 m1 की पावर 3 माइनस m1 प्लस 1/12 m2 की पावर 3 माइनस m2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमें ये करेक्शन फैक्टर्स को ऐड करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये m1 m2 है क्या, है ना, वो मैंने नीचे लिखा है कि वेयर m1 m2 आर द नंबर्स ऑफ टाइम ए वैल्यू इज़ रिपीटेड, ठीक है। m1 m2 क्या होगी, अगर कोई वैल्यू रिपीट हुई है तो वो कितनी बार रिपीट हुई है वो m1 m2 होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 20 जो है 2 बार रिपीट है तो m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। मान लो कि आपको 30 दिया है, 30 वैल्यू 3 बार रिपीट हुई है तो m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कोई वैल्यू डेटा में हमारी कितनी बार रिपीट है उससे m1 m2 निकलेगा, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके फिर हम उसमें रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं एक एग्जांपल में। एग्जांपल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, एक ही TU में भी 2019 में पूछा गया है। From the following data of marks obtained by 8 students in mathematics and statistics paper, है ना, ये marking आपको दी गई है mathematics और statistics में,
कंप्यूट द रैंक कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। आपको यहाँ पर रैंक कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करना है। अब जो हमें डेटा दिया है, सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि उसमें टाई रैंक वाला मेथड क्यों लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स के मार्क्स है उसमें 20 जो वैल्यू है वो दो बार रिपीट है, और जो स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स है वो उसमें 30 वैल्यू तीन बार रिपीट है। इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो टाई रैंक वाला लगेगा, जो जस्ट मैंने अभी रिवाइज कराया था। तो उसमें हमें M1 M2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेयर स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं कि जो M1 है वो 2 होगा, और 2 क्यों होगा, एज 20 रिपीट 2 टाइम, क्योंकि 20 जो है यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है इसलिए M1 को हमने 2 माना है। M2 की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, क्यों होगी, क्योंकि 30 जो है रिपीट 3 टाइम, ये तीन बार रिपीट हुआ है इसलिए M1 M2 की वैल्यू ये होगी। चलिए अब डेटा को टेबल में लेते हैं, उसमें रैंकिंग कर लेते हैं, है ना। हमने मान लिया कि जो रैंकिंग है इन मैथमेटिक्स उसको हमने X से डिनोट किया, और जो रैंकिंग है इन स्टेटिस्टिक्स उसको हमने Y से डिनोट किया। अगर रैंकिंग करते हैं तो रैंकिंग का मेथड वही जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, जो हाईएस्ट मैथमेटिक्स मार्क्स है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट 80 है, तो 80 को हम फर्स्ट रैंक देंगे। इसके बाद इसमें है 60 को हम सेकंड रैंक देंगे। 60 से जो छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर बनती है वो बनती है 40 को हम तीसरी रैंक देंगे। 40 के बाद यहाँ पर बनता है हमारा छोटी वैल्यू 28 को हम फोर्थ रैंक देंगे, और 28 के बाद हमारा यहाँ पर बनता है 20, है ना, क्योंकि 20 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बार रिपीट है, ठीक है। और 4 के बाद हमें कौन कौन सी रैंक देनी थी, एक हमें 5 रैंक देनी थी और एक हमें 6 रैंक देनी थी, तो हमें दोनों का एवरेज लेना होगा, है ना, क्योंकि हमें 4 के बाद इन दोनों को देनी थी 5 और 6 रैंक, हमें दोनों का एवरेज लेना होगा। दोनों का एवरेज अगर निकाला जाए तो 11/2 यानी कि 5.5 आपको मिलेगा। तो 5.5 हम रैंकिंग दे देंगे 20 को ऊपर, और 5.5 ही रैंकिंग देंगे हम 20 को नीचे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप 5 और 6 रैंकिंग दोनों यूज हो चुकी है। तो 6 के बाद कौन सी रैंक दी जाएगी, 7। 7 रैंक हमारी दी जाएगी यहाँ पर 15 को, और 15 के बाद 8th रैंक दी जाएगी हमारी यहाँ पर 12 को। तो इस तरीके से हम टाई रैंक में रैंकिंग करते हैं एवरेज लेकर के। दूसरा लेते हैं, सेकंड है हमारा स्टेटिस्टिक की रैंकिंग। इसमें 60 हाईएस्ट है तो 60 को 1 रैंक देंगे। 60 से छोटी वैल्यू है हमारी 50 को 2 रैंक देंगे। 50 से छोटी वैल्यू है 40 को 3 रैंक देंगे। फिर 40 के बाद हमारा है 30, और आप देख सकते हैं 30 हमारा यहाँ पर 3 बार रिपीट है, है ना। इसका मतलब हमें 3 बार रिपीट है। 3 के बाद हमें 4 रैंक देनी थी, 5 देनी थी और 6 देनी थी, है ना। तो 3 रैंक हमें देनी थी, तीनों का एवरेज ले लेते हैं डिवाइड 3 करके, तो ये आपको मिलेगा 15/3=5। इसका मतलब इन तीनों रैंक को, तीनों जो वैल्यू रिपीट हुई है 30, 30, 30, इनको हम एवरेज करके देंगे। टाई रैंक होती है हमारे यहाँ पर, एवरेज जाएगा हमारा 5, 5, 5, और एवरेज किसका बना था, 4, 5, 6 का। तो 6 के बाद जो रैंकिंग होगी अब 7 देंगे और 8 देंगे। 7 किसको जाएगी, 20 को, और 10 जाएगी हमारी, 10 को जाएगी हमारी 8 रैंक, ठीक है। तो जो वैल्यू रिपीट होती है उसको हम एवरेज रैंकिंग करते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रैंकिंग होगी। रैंकिंग करने के बाद हमें फाइंड करना होता है इसमें डी की वैल्यू। डी होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स एक्स माइनस वाई। तो 7-3 निकालेंगे 4, 5.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5, 4-2, 2, 8-5, 3, 3-7, -4, 2-8, -6, एंड ये 0.5 एंड 1-1, 0। फिर हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 0.25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 36, 0.250। इन सबको ऐड कर लेंगे, है ना। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आपको समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, वो होगी 81.5।
और आप देख सकते हैं जो आपने यहाँ पर M1 निकाला था, M1 हमारा यहाँ पर है 2 और M2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3। और ये ऑब्जर्वेशन आपको 8 स्टूडेंट की दी है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 8। और साथ ही साथ में आपने समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड की है 81.5। तो अब जो हमने फॉर्मूला यूज किया था टाई रैंक वाला, वो यूज़ करेंगे जो जस्ट अभी बताया था मैंने, और उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल देंगे। हैंस रैंक कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, अब रैंक कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला हमने अभी बताया था आपको, वो यहाँ पर रखा, सबकी वैल्यू रख देते हैं 1-6, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 81.5 प्लस 1/12, एम वन की वैल्यू है 2 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 2, 1/12 एम टू की वैल्यू है 3, 3 की पावर 3 माइनस 3 एंड डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू है 8 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इक्वल टू 1-6, इन सब वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको मिलता है 6 × 81.5 प्लस 0.5 प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 504। सॉल्व करके मिलेगा 1-6 × 84 डिवाइड बाय 504, और ये मिलेगा 1-504 1-1=0। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो 0 आई है हमारी। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल करा आपको टाई रैंक को लेकर के। इसी तरीके से अगर कहीं पर रैंक टाई होती है तो आप एक दो एग्जांपल्स अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रेग्रेशन, लाइन ऑफ रेग्रेशन, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, फिर ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।